मूवी के अंदर हमें इस ऑफिसर को दिखाया जाएगा जिसके ऊपर कुछ तालिबानियों ने हमला कर दिया है। वह उसे अपने साथ ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से इसका साथी आकर उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। उसे पता था कि अगर वह रोड की मदद से वहाँ से निकलेगा तो उसके ऊपर सभी तालिबानी हमला कर देंगे, इसलिए वह एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसे पहाड़ों की तरफ ले जाता है। पर उसे यह पता नहीं था कि जिस तरीके से वह यहाँ से निकला है उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो जाएगी। देखिए वह उसे पहुँच जा पाता है या नहीं, यह आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी की एंडिंग बहुत ही दासु होने वाली है, तो बने रहिए मूवी के साथ। मूवी की शुरुआत में हमें इस आर्मी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ चेकिंग कर रही है और इनका हेड यह आदमी है और इसका नाम जोन है। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर से कुछ स्मगलिंग हो रही है, तभी वहाँ के एक ऑफिसर को इस आदमी पर शक होता है। वह उसे कहता है कि अपने ट्रक को खोलो, लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है। जब वे उस ट्रक को चेक करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक वह फट जाता है। इस दबाव के अंदर जो ऑफिसर बना था वह एक ट्रांसमीटर था जो कि कोई भी भाषा को इनकी सिंपल भाषा में समझाया करता था। फिर हमें काफी टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जोन ने अपना एक न्यू ट्रांसमीटर चुनने की कोशिश की है और उसके सामने है आदमी आता है जिसका नाम हैमिद है। वह उसे कहता है कि मुझे सब की सब भाषाओं के बारे में पता है। यह ऑफिसर जोन के हेड ने उसे दिया था कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हैमिद डबल माइंडेड है। यह पहले तालिबानियों के साथ रह चुका है और इनका इनके साथ कैसा व्यवहार हो गया है आप आगे देख पाएंगे। जोन को हैमिद पर तो विश्वास हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा थोड़ा शक था। और फिर हमें इस ऑफिसर को दिखाया जाता है यहाँ पर जोन आज, और वह ऑफिसर जोन को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि इसको सभी तालिबानियों के बेस के बारे में पता है और अगर तुमने इस आदमी को ढूंढ लिया तो तुम सभी तालिबानियों को मार सकते हो। यह जोन के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। वह उस फोटो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसे अब मैप के बारे में भी पता था कि उसे कहाँ पर जाना है। उसके साथ हैमिद और उसकी पूरी टीम चल पड़ती है। फिर हमें इस आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पर इन्होंने इस आदमी को आसानी से उठा लिया है और वह उस आदमी को यहाँ पर ले आते हैं। जोन हैमिद को कहता है कि तुम से कहो या तो तुम पैसा चुन सकते हो या फिर अपनी जिंदगी, पर तुम्हें बताना होगा कि सभी के सभी तालिबानी कहां पर छिपे हुए हैं और उनके हथियार कहां पर हैं। लेकिन वह आदमी हैमिद को जानता था। वह हैमिद को कहता है कि तुम हमसे गद्दारी कर रहे हो, जैसे पहले हमारे साथियों ने तुम्हारे बेटे को मार दिया था, अब तुम भी नहीं बचोगे। जोन को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब हैमिद अपने जेब से पैसे निकालता है और उसे दे देता है। तब वह उस सभी तालिबानियों के बारे में हैमिद को बता देता है। वे लोग वहां से वापिस आ जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी आदमी को यह पता नहीं था कि जोन का एक और ट्रांसमीटर उनकी टीम के साथ है जिसे थोड़ी बहुत तालिबानियों की भाषा समझ आती है। वह जोन को बताता है कि हैमिद के बेटे को तालिबानियों ने मार दिया है, इसलिए वह हमारी मदद करना चाहता है और वह उन सभी तालिबानियों से बदला लेना चाहता है। और जैसे ही उन्हें पहली बेस के बारे में पता चला वे अगले दिन उसके लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन हैमिद को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, उनके पास हद से ज्यादा हथियार थे। वे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर माइंस का काम चल रहा था और वह इन सभी पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ खड़े कर लो। वह ऐसा ही करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जोन को लगता है कि यहाँ पर उन्हें पक्का कुछ मिलेगा क्योंकि अब उन्हें हथियारों की ही जरूरत थी। वे लोग वहाँ पर काफी देर तक ढूंढते हैं और तब हम देख पाते हैं कि इन्हें वहाँ पर तालिबानियों के हथियार मिल चुके हैं, जिसने सभी तालिबानियों को सूचना दे दी थी कि यहाँ पर वे ऑफिसर आ चुके हैं। पर एट द एंड वे लोग इसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। और तब जब वे वहाँ से बाहर आते हैं तो अचानक उन पर हमला होना शुरू हो जाता है और ये तालिबानी इन पर लगातार हमला करने लगते हैं। जोन अपने आप को और अपने साथियों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहता है क्योंकि उनकी सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वे लोग एक एक कर सभी ऑफिसर्स को मारे जा रहे थे और एट द एंड वह सभी को तो मार देते हैं, लेकिन उसमें जोन और अहमद बच जाते हैं। वे लोग वहाँ से भागने का फैसला लेते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी और तालिबानी बहुत ही ज्यादा थे। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं। तालिबानी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे लोग यहाँ पर छिप चुके थे और वे अपनी रात यहीं पर बिताते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और उन्हें पता था कि यहाँ पर रहना उनके लिए खतरे से कम नहीं है, इसलिए वे आगे निकल पड़ते हैं। पर होना क्या था, वे सभी तालिबानी को उनके बारे में पता चल जाता है। काफी घंटों तक तो जोन उनसे बचता रहता है, लेकिन वे लोग यहाँ से छिप छिप कर आगे जा ही जा रहे थे कि तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट हो गई है और वे एक दूसरे को देख रहे हैं। और जैसे ही तालिबानी उस पर हमला करने वाला होता है, जोन उस पर हमला कर उसे मार देता है। अब सभी तालिबानियों को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था, वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर एट द एंड वह जोन पर गोली चला देते हैं। हैमिद भी वहीं पर था, लेकिन वह उसकी इस टाइम कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। वे उसे अपने साथ ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी हम देख पाते हैं कि हैमिद साइड से आ चुका है और उसने इन तालिबानियों पर हमला कर दिया है। अब जोन की हालत से ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर काफी हमले हुए थे। हैमिद सोचता है कि अगर वह रोड के सहारे जाएगा तो तालिबानियों को उसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वह यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है और जोन को इस पर लटा लेता है और अपने
देश की तरफ जाने की तैयारी करता है। यह सफर उसके लिए खतरनाक होने वाला था क्योंकि उन्हें तालिबानियों का ध्यान रखना था और अपनी पूरी कोशिश से इसे पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाना था। वह उसे लगातार ले जाया जा रहा था। वह उसकी काफी सेवा करता है। हेमंत तालिबानियों से बचते हुए उसे वहाँ से ले जाया जा रहा था। एक टाइम तो ऐसा आता है कि हेमंत अपनी हार मानने के लिए तैयार था, लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद जोन के बारे में सोचता है तो वह कहता है कि मुझे यह करना ही होगा, और एट द एंड वह उसे वहाँ से भी निकाल लेता है। फिर वे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से कुछ पानी खरीदते हैं। हेमंत जोन को पानी पिला ही रहा होता है। हेमंत पानी पी रहा होता है कि तभी वह देख पाता है कि साइड से तालिबानी आ गए हैं। वह जोन का चेहरा ढक देते हैं। तालिबानी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और इससे पानी की बोतल मांगते हैं, लेकिन तभी तालिबानी इसका जूता देख लेता है और उसे शक होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ है, क्योंकि अभी मैक्सिमम तालिबानियों को खबर जा चुकी थी कि यहाँ से कोई दो लोग फरार हुए हैं। जैसे यह तालिबानी कपड़ा उठाता है तो हेमंत उस पर गोली चला देता है। वह इन सभी तालिबानियों को मार तो देता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और ये सब US मिलिट्री के आर्मी थी। हेमंत इन्हें कहता है कि वहाँ पर गाड़ी में एक ऑफिसर है। वे लोग उसे ले जाते हैं। फिर हमें 4 हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जोन को होश तो आ गया है और वह उठते ही पूछता है कि हेमंत कहाँ है, और तब उसे पता चलता है कि US आर्मी ने हेमंत को वहीं पर छोड़ दिया था और तालिबानी अब उसके पीछे लगे हुए हैं। उसकी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर हो गई है क्योंकि वह इधर उधर अपनी जगह बदलते हुए छुपता जा रहा है, पर वह काफी टाइम से एक ही जगह पर है जिसके बारे में इस आदमी को पता है। जोन को उसे ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो जाता है। वह अपने हेड को बताता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि उसका एक कर्ज मेरे सिर पर बना हुआ है और मुझे जैसे तैसे उसे उतारना ही होगा और आपको मेरी मदद करनी ही होगी। हेड उसे कहते हैं कि हमें मदद मिल तो चुकी है, पर तुम्हें वहाँ पर अकेले ही जाना होगा। जोन इसके लिए तैयार हो जाता है। वह यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एक अलग देश की मिलिट्री थी। वह उन्हें कहता है कि मुझे अपने दोस्त को यहाँ से छुड़ा कर ले जाना है। वे लोग कहते हैं कि इसमें तुम्हें अकेले ही जाना होगा क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा मिशन अभी मिला हुआ है। हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जोन कहता है कि कोई समस्या नहीं है। तब यह ऑफिसर इसे सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें हेमंत मिल जाए हम तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे और तुम सभी को वहाँ से पिक कर लेंगे। जोन वहाँ से चला जाता है। अब उसने भी अपना भेष बदल ही लिया था और इस आदमी की मदद से पता चल गया था कि हेमंत कहाँ पर है। वह इस ट्रक वाले को कुछ पैसे देता है क्योंकि वह उसका दोस्त भी था और वह उसे आगे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे लोग वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। वह एक ट्रक में थे और वे यहाँ पर छिपा हुआ था, लेकिन काफी दूर जाकर उसे कुछ तालिबानी पकड़ लेते हैं। है ड्राइवर उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि सिर्फ मेरे पीछे कुछ सामान ही रखा हुआ है और उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह आगे जाता है तो कुछ और तालिबानी वहाँ पर उन्हें पकड़ लेते हैं। यह ड्राइवर उन्हें कहता है कि मैं पहले पैसे देकर आ चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वे लोग कहते हैं कि हम ट्रक की चेकिंग करेंगे। यह आदमी उन्हें बहुत समझाता है कि अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे यह ऑफिसर ऊपर जाता है तो जोन को लगता है कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए वह इन सभी को वहाँ से शूट कर देता है। पर मूवी का ट्विस्ट यहीं पर बना था क्योंकि साइड में उन्हें वहाँ पर उन तालिबानियों को मारते हुए एक आदमी देख लेता है और उसके पास भी इसकी फोटो थी। वह अपने हेड पर फोन कर देता है कि मुझे वह ऑफिसर मिल चुका है, क्योंकि हेमंत और जोन अभी भी इनकी नजर में बने हुए थे और वह धीरे धीरे कर उनका पीछा करने लगता है। जोन को तो पता चल ही गया था कि हेमंत कहाँ पर है और वह वहाँ पर चला जाता है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि हेमंत यहाँ पर है और जोन भी वहाँ पर आ चुका है। वह जाकर उसके पास बैठ जाता है। पहले तो हेमंत उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब जोन कुछ पूछता है तो हेमंत झट से उसकी तरफ देखता है और वह हेमंत को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि काफी तालिबानी हमारे अभी पीछे लगे हुए हैं, तुम अपनी वाइफ को लेकर हमारे साथ चल सकते हो। हेमंत को भी अपनी इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पाना था और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी पत्नी को अंदर से ले आता है और वे लोग यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं और इस ट्रक के अंदर छिप जाते हैं, पर तालिबानियों को उनके बारे में पता चल चुका था। जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकलते हैं तो पीछे से तालिबानी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। वह ड्राइवर इन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तब जोन अपनी गन निकालता है और उन सभी पर शूट करने लगता है। ये सभी के सभी उन पर भारी पड़ रहे थे। तालिबानी लगातार जोन पर हमला किए जा रहे थे और तभी जोन कहता है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ अलग करना होगा। वे लोग इस पुल पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपनी गाड़ी साइड लगा देते हैं और यहीं पर वह अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर आगे निकल जाते हैं। वे लगातार सैटेलाइट फोन से उस ऑफिसर पर फोन किए जा रहे थे, लेकिन वह उनका फोन नहीं उठा रहा था। तभी हम फिर से इस ऑफिसर को देख पाते हैं जिसके पास एक मेल आया है और जिसमें उसे पता चला है कि जो मिशन उन्हें पहले मिला था तालिबानियों को मारने का, वह मिशन जोन और हेमंत के लिए ही था। और फिर अचानक वह कहता है कुछ धमाका करने को मिलेगा।
और फिर हम जॉन और हेमंत को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, पर दोनों तरफ से उन्हें उन तालिबानियों ने घेर लिया है। वे लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। जॉन अपनी और अहमद की जान बचाने के लिए आगे भागे जा रहा था। वे लोग यहाँ पर छिप जाते हैं। वे तालिबानी लगातार उनके सामने आए जा रहे थे और गोली चलाए जा रहे थे। वह इस आदमी पर भी हमला कर देते हैं। तभी जॉन सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस ऑफिसर ने भी हमारा फोन नहीं उठाया है। वह हार मानने के लिए तैयार ही हो और तभी हम देख पाते हैं कि एक साथ कई तालिबानी मारे जा चुके हैं, क्योंकि वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ चुका है जो कि उसी मिलिट्री का था। वे उसे देखकर वहां पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके प्लान में नहीं था। वह वहां पर सभी के सभी तालिबानियों को मार दे और वह वहां पर बम गिराने लगता है। वह वहां पर तबाही मचा देते हैं और इन सभी को वहां से निकाल लेते हैं। वे इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और ऑफिसर जॉन को कहता है कि अगर तुमने हमें पहले बताया होता है कि तुम अहमद की जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हो और तुम्हारा पंगा तालिबानियों से पड़ने वाला है, तो हम तुम्हारी पूरी से पूरी मदद करते। और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। मुझे पता है यह मूवी शायद आपके लिए इतनी खास ना हो, लेकिन मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया मूवी हमारे चैनल पर लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सिर्फ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना।